में जो आई हुई थी उनको दूर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमारे समाज का जोश बढ़ रहा है। वैसे तो बहुत बहादुर हरियाणवी कौम है और इसी में से सिद्ध होती है कि देश की आबादी की हम सिर्फ 2% है। हरियाणा की आबादी देश की आबादी का 2% है, लेकिन अगर सेना की सेवा में यहां की संख्या का अनुपात अगर मैं आपको बताता हूं, आदरणीय रक्षा मंत्री जी तो उस बात को जानते हैं, आप भी जानते होंगे, लेकिन फिर भी बार बार उल्लेख करने का मन करता है कि हम उसमें 10% हिस्सा रखते हैं। 10% मित्रों, सेना में जाने का हमारा, हमारे युवक का एक मनोबल उत्साह होता है। युवा हमारा बड़ा जिसको कहना चाहिए संघर्षशील। मजाक में धनखड़ जी को मैं कह रहा था कि हमारा युवा लड़ने भिड़ने में और बड़ा होशियार होता है, बड़ा उत्साही होता है, सीमा पर जाकर के लड़ करके जान की परवाह नहीं करता, और जब जाके परवाह नहीं करता देश की रक्षा में वो काम आता है, शहीद भी होता है, लेकिन कभी कभी अगर उसको सेना में भर्ती होने का मौका ना मिले तो आपस में लड़ने लग जाते, ये भी हमारा दुर्भाग्य है। तो इसलिए हर एक युवा की शक्ति का उपयोग हो। आपने अग्निवीर योजना की घोषणा की, बहुत अच्छी योजना, हमको पसंद आई। पता विपक्ष के लोग शोर मचाते थे कि 4 साल के बाद वापस आएंगे क्या करेंगे, हमने कहा ये सब अनुशासित होकर आएंगे, देशभक्ति का भाव इनमें भरेगा, और अगर वापस आएंगे कहीं और काम मिले ना मिले, हरियाणा सरकार ऐसे वापस लौटे अग्निवीरों को सबको नौकरी की गारंटी देती है, हम सबको नौकरी देंगे। और ये योजना लगातार सुचारू रूप से चल रही है, अभी भी भिवानी में आजकल भर्ती उसकी चल रही है, 3000 भर्ती वहां से निकली है, एक राउंड पहले हो चुका है, दूसरा लगातार ये भर्ती बढ़ती रहेगी और ये संख्या और भी बढ़ेगी तो समाज में एक अनुशासन आएगा और एक वीरों की धरती उसको और आगे बढ़ने का एक मौका मिलेगा। मैं कुल